हमारे लिए आज की तिलावत हिकमत की किताब 18 बाब 14 से 16 और 19 बाब 6 से 9 आयात तक। क्योंकि जिस वक्त हर एक चीज़ को खामोशी का आराम मिला और रात की रफ्तार निसब पर आई, तब तेरा कदीर कलमा आसमान के शाही तख्त से तुंद जंगजू की मानद हलाकत की सरजमीन में यकायक कूद पड़ा और तेज़ तलवार से उसने तेरा वाजबी हुक्म नाफज किया, तो वो खड़ा हुआ और सब जगहों को मौत से भर दिया और उसका सर आसमान और उसके कदम ज़मीन पर थे। तब तमाम मखलूकात में से हर एक चीज़ अपनी जिन्स में असर नो बनाई गई ताकि तेरे हुक्मों के ताब्या हो और तेरे फर्जंद बेसदमा बच जाएं। पस बादल ने खैमा गाह पर साया किया और जहां पहले पानी था वहां खुश्क ज़मीन नमुदार हुई, यानी बहर कुलज़म के बीच में से साफ शाहरा और पानी की कसरत में से सब्ज़ चरागाह। वहां तेरी तमाम उम्मत ने अबूर किया और उन्होंने तेरे हाथ के पर्दे में अजीब मौजज़ात देखे, और ऐ खुदावंद इनके रिहाई देने वाले ये तेरी तारीफ़ करते हुए घोड़ों की तरह छूटे फिरते थे और बर्रों की मानत कूदते थे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।